हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मोनिका एक बार फिर से आपके साथ हूं लाइफ प्रोसेस के लास्ट पार्ट के साथ पार्ट सिक्स के साथ सो so, इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था वेरियस लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे उसमें First, था हमारा न्यूट्रिशन देन देन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड अब हमारा लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन सो स्टार्ट करते हैं सो इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल यूजम शिक्षा केंद्र एंड फेसबुक पेज एम टू अचीव टेलीग्राम ग्रुप यूजेम सो so स्टार्ट करते हैं नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन तो हमने प्रोसेस देखे कि न्यूट्रिशन में क्या होता है हम उस फूड को लेते हैं और उस प्रोसेस में हमारा जो फूड होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि ग्लूकोज ठीक है उसके बाद क्या होता है रेस्पाइरेशन का प्रोसेस जिसमें कि उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज कराते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेस्पाइरेशन देन अब वो जो एनर्जी एक पार्ट में रिलीज हुई है उसको पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कैसे करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अब लास्ट प्रोसेस क्या है हमारा एक्सक्रीशन तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बना है ठीक है या जो हमारे फूड में था ठीक है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है उसको कैसे रिमूव करते हैं दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन सो उसके बाद हम पढ़ते हैं अब एक्सक्रीशन देखते हैं कि ह्यूमंस में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स अब जैसे हमने कुछ सिस्टम्स देखे थे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है ठीक है तो उसमें क्या पार्ट्स होते हैं हमारे जो मेन मेन ऑर्गन्स होते हैं टू किडनीज होती हैं टू यूरेटर्स होते हैं एक ब्लैडर होता है एंड एक यूरेट्रा जो मेन पार्ट क्या करते हैं जिनका मेन रोल होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सो सबसे पहले क्या होता है द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डोटिफ ब्लड इन टू द किडनीज तो सबसे पहले क्या होता है जो हमारी रेनल आर्टरी होती है वो क्या करती है हमारे ब्लड को लेकर आती है हमारी किडनी में ठीक है ये हमारी क्या है रेनल आर्टरी है ये कहा ब्लड को ट्रांसफर कर रही है किडनी में ठीक है अब हमारी किडनी में क्या आ गया ब्लड आ गया जिसमें क्या है वेस्ट भी है और यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन सो हमारे किडनी का फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है ब्लड में उसमें से जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है दैट इज यूरिया और जो भी अदर वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है या फिर एक्सेस में वाटर है उसको क्या करता है फिल्टर करता है एंड उसको एक्सक्रीट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एक जिसको हम क्या कहते हैं यूरिन सो द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनीज और फिर क्या होता है जो क्लीन ब्लड हमारा रह जाता है वो तो वापस से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द रेनल वेन अब रेनल वेन का ये ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये क्या है हमारी रेनल वेन है ठीक है इसके थ्रू हमारी जो क्लीन ब्लड है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है वापस से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है सो द यूरेटर्स उसके बाद जब किडनी में हमारा क्या बन गया यूरिन बन गया नाउ यूरेटर्स वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ किडनी ओपन इन टू द यूरानरी ब्लैडर अब क्या करते हैं यहाँ से किडनी से जो हमारा यूरिन है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है यूरेटर के थ्रू और यूरेटर के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ जाता है हमारे यूरानरी ब्लैडर में ठीक है नाउ यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर यूरिन एंड इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा यूरिन कहाँ स्टोर होता है हमारा यूरेनरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है एक्सक्रीट हो जाता है सो so, ये था हमारा प्रोसेस नाउ अब हम जो है हमारा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस हमारा प्रोड्यूस यूरिन जो है हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ऑफ लार्ज नंबर यूनिट्स ठीक है अब हमारा क्या था सबसे पहले हमारी किडनी में ब्लड आया अब किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर के थोड़े थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या होता है और कैसे फिल्ट्रेशन होती है हमारा यूरिन जो है प्रोड्यूस कैसे होता है सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रिटरी यूनिट्स कॉल नेफ्रॉन्स तो जो भी किडनी होती है वो हमारी उसमें क्या होती है कुछ यूनिट्स होती है कुछ ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं छोटे छोटे यूनिट्स सो द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट तो उसमें एक एक छोटा सा ऑर्गेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है ये क्या करता है ये हमारे ब्लड बल, को क्या कर देता है फिल्टर कर देता है जब हमारा ब्लड इसके अंदर आता है तो क्या करता है ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड लाइक ग्लूकोज तो जो भी हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट यूरिया एंड वाटर एक्सेट्रा क्या करता है इन सबको वो पास कर देता है ठीक है एंड वो जो पास करता है ब्लड ठीक है इन सब्सटेंसेस को इन मॉलिक्यूल्स को वो कहा हमारे कलेक्ट हो जाते हैं बॉमेन कैप्सूल में अब देखो बॉमेन कैप्सूल कहाँ यहाँ पे हमारा क्या था ग्लोमेरुलस था ठीक है यहां से उसने क्या किया पास किया जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी थे अब वो कहा हमारा स्टोर हो गया ये बॉमन कैप्सूल में ये जो येलो कलर का दिख रहा है सर्कुलर शेप में ये क्या हमारी बॉमन कैप्सूल अब इसमें क्या हो गया वो फिल्ट्रेशन जो भी हुई वो कलेक्ट हो गई सो so, उसके बाद क्या होता है और उसके बाद एंड देन एंटर द ट्यूबेल ऑफ नेफ्रॉन अब क्या है इसके बाद कहा जाता है ये जो ट्यूब से दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबल ठीक है, 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 है. तो है? है पास हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लॉमरस कैपलरीज तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन और ब्लड सेल्स वो क्या होते हैं पास नहीं हो पाते ग्लॉमरल से उसके बाद क्या हो जाता है वो वापस से हमारे ब्लड के थ्रू तो हमारे बॉडी में चले जाते हैं ठीक है नाउ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज द वेस्ट सब्सटेंस पासिस थ्रू द ट्यूब ठीक है अब जो भी हमारा यहाँ से पास हुआ है ठीक है उसमें हमारा वेस्ट सब्सटेंसेस भी है यूजफुल सब्सटांसेज भी है तो वो क्या कर देते हैं ट्यूबवेल से हमारे पास होते हैं

ट्यूबुल तो अब हमारे ट्यूबुल में क्या रह जाता है हमारे बेस सब्सटेंसेस रह जाते हैं देन द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिन अब जो लिक्विड रह गया उसी को हम क्या बोल देते हैं यूरिन द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट अब ये जो ट्यूबल है ये कहाँ पे उसी यूरिन को कैरी करेगी इस कलेक्टिंग डक्ट में ठीक है ये किडनी में ही होती है फ्रॉम वेयर इट इज कैरिड टू द यूरेटर एंड इसी के बाद से ये कहाँ पे कनेक्ट होगी यूरेटर में यूरेटर के थ्रू जाएगी यूरानरी ब्लडर में देन यूरेथरा से एग्जिट हो जाएगा सो so, इस तरह क्या होता है एक्सक्रीट सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स में नाउ देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन तो जो मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे प्लांट्स में वो कौन से होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वॉटर वेपर होते हैं ऑक्सीजन होते हैं

बार्क में और फ्रूट्स में तो जो भी प्लांट होता है वो एक्सक्रीट करने के लिए क्या करता है अपनी लीव्स को शेड कर देता है ठीक है पीलिंग ऑफ बार्क उसकी जो बाहर की आउटर लेयर होती है जो हमारी स्टेम वगैरह की लीव्स की वो क्या कर देता है उसको अलग कर देता है अपने पार्ट से ठीक है और वहां पे क्या आ जाते, है? जाते हैं नए पार्ट्स आ जाते हैं एंड फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स और साथ ही फ्रूट्स में भी कुछ होता है जैसे वेस्ट प्रोडक्ट ठीक है तो इस तरह से क्या करते हैं प्लांट्स अपने पार्ट्स को अलग कर देते हैं क्वेश्चन so, है। है। so, तो देखते हैं द मस्कुलर ट्यूब विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लाडर आर तो जो मस्कुलर ट्यूब्स होती है जो हमारे यूरिन को कैरी करती है किडनी से ब्लाडर में वो क्या होती है उसका नाम क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन है यूरानरी ब्लैडर नो यहाँ पे क्या होता है हमारा यूरिन स्टोर होता है बी यूरेटर सी यूरेथ्रा अब यूरेथ्रा में क्या होता है यूरेथ्रा से एग्जिट होता है यूरेटर के थ्रू ट्रेवल करता है सो द करेक्ट आंसर इज बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज यूरिन यूरिन स्टोर्ड इन कहाँ स्टोर होता है अभी हमने पढ़ा यूरानरी ब्लैडर में सो द करेक्ट आंसर इज ए सो दिस इज ऑल अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू